गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहाँ आया और पक्षियों से बोला, क्या मैं इस वृक्ष के खोल में रह सकता हूँ? सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की आयु को देखते हुए उसे वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। वे अपने हिस्से के भोजन से भी कुछ भोजन निकाल कर उसे खाने के लिए दे देते थे। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वह मन ही मन सोचता, ये पक्षी कितने दयालु हैं। इसलिए जब ये अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा किया करूँगा, उनकी देखभाल किया करूँगा। ऐसा सोचकर उस दिन के बाद से गिद्ध ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी और सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली वहाँ से गुजरी। उसने उस पेड़ पर नन्हे पक्षियों को चहचहाते हुए देखा और उनकी आवाज़ें सुनी। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे और ताज़ा पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, अरे कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यहाँ थोड़ी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। वह बोली, नमस्ते चाचा जी, मैं बिल्ली हूँ। बूढ़ा गिद्ध बोला, तो यहाँ क्या कर रही है? भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, चाचा जी, मैं कुछ करना चाहती हूँ, उसे तो सुन लो। और उसके बाद चाहे जो करना, खाना चाहते हो तो खा लेना। गिद्ध ने सोचा क्यों न इसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध बोला, आशीर्वाद? और तुम? मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँ? तुम मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। भाग जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। बिल्ली ने उत्तर दिया, चाचा जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ गंगा नदी के किनारे चारों ओर इतनी हरियाली है और ढेर सारी हरी वनस्पति है। मैं केवल हरी सब्जियाँ और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी बातों में आ गया। उसने उस पर दया खाकर वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता रहा, किंतु बहुत ज्यादा समय तक बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं रख पाई। अतः उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इसका पता नहीं चल पाया। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके नन्हे नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी और वे उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और उसने सोचा कि अब वह पकड़ी जा सकती है। अतः वह चुपचाप वहां से भाग निकली। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी बूढ़े गिद्ध के खोल के पास पहुंचे, तो उन्होंने वहां अपने बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा, हो ना हो, इस बूढ़े गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को खा लिया है। इसलिए वे गुस्से में भर गए और सब ने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार डाला। बेचारे मासूम गिद्ध को अनजान बिल्ली पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।